Long live, long live. नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ ऐप का। मुआदियों का फीलजे वर्षगांठ इस साल 2 दिसंबर 7 दिसंबर तक मनाया गया और इस बार फिलिस्तीनी मुक्ति आंदोलन के समर्थन में 7 दिन का साप्ताहिक फीलजे दिवस मनाया गया, जिसमें छत्तीसगढ़ के नक्सलियों द्वारा फीलजे सप्ताह की वीडियो जारी की गई। चूंकि मुआदी फिलिस्तीन के समर्थन में उतरे हैं, इसलिए उन्होंने यूएस के प्रधानमंत्री जो बाइडन, इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला दहन भी किया। इस मौके पर गांव के ग्रामीण हल्की बारिश के बिछातों में छाता लेकर कार्यक्रम में उपस्थित रहे। इसी बीच मुआदियों की दक्षिण सब जोनल ब्यूरो द्वारा 22 दिसंबर को भारत बंद को सफल बनाने की घोषणा हुई है और प्रेस नोट जारी किया। साथ ही झारखंड में चल रहे नक्सल अभियान को लेकर 16 दिसंबर से 22 दिसंबर तक प्रतिरोध सप्ताह मनाने का आह्वान मुआदियों के द्वारा किया गया है। आपको बता दें कि आज यानी कि 13 दिसंबर को छत्तीसगढ़ से एक बड़ी खबर आ रही है। जिले के छोटे डोंगर थाना क्षेत्र अंतर्गत अमदाई खदान के पास आज सुबह 11 बजे लगभग नक्सलियों ने आईडी ब्लास्ट कर दिया और दोनों ओर से जो है ताबड़तोड़ फायरिंग की गई। सुरक्षा बलों की जवाबी कार्रवाई से नक्सली वहां से भाग खड़े हुए, मगर नक्सलियों के आईडी ब्लास्ट की वजह से जो है एक जवान सीएसएफ का 9वीं बटालियन का जवान जो है आरक्षक कमलेश कुमार शहीद हो गया। वहीं एक जवान आरक्षक विनय कुमार जो है मामूली चोट उसको लगी है, जिनका प्राथमिक उपचार अभी जारी है। आपको बता दें कि साल 2023 कुछ ही दिनों में खत्म होने को है और सभी नए साल के आगमन की तैयारी में भी जुटे गए हैं, लेकिन खासकर छत्तीसगढ़ में बीजेपी के लिए एक तरफ जहां साल 2023 विधानसभा चुनाव जीतकर अपनी नई सरकार बनाने के लिए भाग्यशाली साबित हुआ, तो वहीं इस साल बीजेपी ने अलग अलग नक्सली घटनाओं में अपने 8 साथियों को भी खो दिया है। सबसे ज़्यादा छत्तीसगढ़ के नारायणपुर जिले में नक्सलियों ने बीजेपी नेता और कार्यकर्ताओं की हत्या की है और यह साल इन नेताओं के लिए काल बनकर सामने आया है। बस्तर संभाग के साथ ही राजनांदगांव के मानपुर मोहल्ला इलाके में भी नक्सलियों ने एक बीजेपी नेता की हत्या की। कुल 8 बीजेपी नेताओं को नक्सलियों ने मौत के घाट उतारा है। इसमें 2 बीजेपी जिला उपाध्यक्ष के साथ ही मंडल प्रमुख और एसटी मोर्चा के जिला अध्यक्ष शामिल हैं। एक तरफ जहां बीजेपी नेताओं को मौका देकर नक्सलियों ने गोली मारकर हत्या की, तो कुछ नेताओं को सरेआम बीच बाजार में दिन दहाड़े धारदार हथियार से गला रेत कर हत्या की है। कांग्रेस के विष्णु जाना।